गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज यूनिक्स में पेस्ट एंड सॉर्टिंग कमांड्स को समझेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेस्ट कमांड, तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में पेस्ट कमांड का क्या यूज है। तो पेस्ट कमांड इज यूज टू पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल के कंटेंट्स को, एक फाइल में कुछ लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को, उस कंटेंट्स को हम चाहते हैं कि किसी दूसरी फाइल में पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए पेस्ट कमांड को यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको यूनिक्स कमांड पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको कमांड को टाइप करना है पेस्ट। उसके बाद दो फाइल लेनी है, एक फाइल जिसमें कंटेंट्स है और दूसरे फाइल में जिसमें उस कंटेंट्स को आपको पेस्ट करना है। तो मेरे पास कटलिस्ट वन एक फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और कटलिस्ट दूसरी फाइल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों फाइल का नाम दे करके सिंपली एंटर प्रेस करूंगा। तो फाइल जो है कटलिस्ट वन फाइल का जो कंटेंट्स है वो पेस्ट हो जाएगा कटलिस्ट दूसरे वाले फाइल में। उसके बाद पेस्ट कमांड का दूसरा यूज है कि पेस्ट कमांड को टाइप करके हम दो फाइल का नाम दे सकते हैं, तीन फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैंने कटलिस्ट वन फाइल का नाम दिया है, फिर कटलिस्ट टू एक दूसरे फाइल का नाम दिया है, उसके बाद रिडायरेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन लिखा है या ग्रेटर देन बोल सकते हैं इसको, और एक और फाइल का नाम दे करके सिंपली एंटर प्रेस किया है मैंने। तो इस केस में क्या करेगा, कटलिस्ट वन का जो कंटेंट है और कटलिस्ट टू का जो कंटेंट है, दोनों का कंटेंट जो है फाइल वन में ले जा करके पेस्ट कर देगा। तो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अब लेट सपोज फाइल वन एग्जिस्ट नहीं करती है और हमने फाइल वन यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो फाइल अपने आप क्रिएट भी हो जाएगी और क्रिएट होकर के कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट इसमें जा करके पेस्ट हो जाएगा। तो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड, फाइल क्रिएटेड हो जाएगी। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है रिडायरेक्ट या ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है, ये क्या करेगा, विल ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करेगा, मतलब कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट फाइल वन में अगर कोई कंटेंट है तो उस कंटेंट के ऊपर ले जा करके ओवरराइट कर देगा, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नया फाइल फाइल वन के नाम से क्रिएट कर देगा और फिर उस खाली फाइल में ले जा करके कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट उसमें डाल देगा। और अगर हम सिंगल रिडायरेक्ट ऑपरेटर को ना टाइप करके डबल रिडायरेक्ट ऑपरेटर को अगर हम टाइप करते हैं, तो इस केस में क्या करेगा कि कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट, अगर फाइल वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसमें पहले से ही कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट फाइल वन के कंटेंट पे ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि उसके नीचे उसी फाइल के कंटेंट में नीचे ले जा करके अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा कंटेंट को, अगर हम डबल रिडायरेक्ट वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो। अगर सिंगल रिडायरेक्ट वाला ऑपरेटर चूज करते हैं तो फाइल वन में अगर कोई कंटेंट है तो उसके ऊपर ही ले जा करके कटलिस्ट वन का कंटेंट और कटलिस्ट टू का कंटेंट उसके ऊपर ले जा करके क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। अगला जो है पेस्ट कमांड का यूज है कि यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हम पेस्ट को टाइप करेंगे, उसके बाद हाइफन डी लिखेंगे। हाइफन डी का मतलब है डेलिमीटर देने के लिए। डेलिमीटर का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो है जो वर्ड्स होते हैं फाइल में उनके बीच में टैब वाला स्पेस आ जाता है, तो
टैब के, यूनिक्स में टैब वाला स्पेस आ जाता है, तो टैब स्पेस की जगह पर हम कोई डेलिमिटर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अंडरस्कोर देना चाहते हैं, या फिर कोमा देना चाहते हैं, या कॉलन देना चाहते हैं, तो ये सारे क्या है, ये डेलिमिटर के नाम है। तो इस तरह के कोमा, अंडरस्कोर या कॉलन वगैरह देने के लिए हम हाइफन डी टाइप करते हैं। हाइफन डी का मतलब कि आप डेलिमिटर को यूज करना चाह रहे हो, इसलिए हाइफन डी टाइप करना है। और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो भी डेलिमिटर यूज करना है, लेट सपोज मुझे अंडरस्कोर यूज करना है तो मैं अंडरस्कोर डालूंगा, और अगर मुझे यूज करना है कोमा तो मैं कोमा डालूंगा, और अगर मुझे कॉलन यूज करना है तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में कॉलन लिखूंगा। तो मुझे अंडरस्कोर चाहिए। और उसके बाद दो फाइल लेनी है, कट लिस्ट 1 और कट लिस्ट 2। तो एक फाइल में कंटेंट है, दूसरे फाइल में भी यहाँ पे कंटेंट है। तो इसमें क्या करेगा, दोनों फाइल पहले फाइल के कंटेंट को ले जा करके दूसरे फाइल के कंटेंट के साथ जो है पेस्ट कर देगा। और पेस्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पे टैब वाला स्पेस है, उस टैब वाले स्पेस की जगह पर डेलिमिटर को अप्लाई कर देगा, मतलब अंडरस्कोर वहाँ पे यूज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कट लिस्ट 1, ये जो रेड कलर में जितने भी टेक्स्ट है, ये सारे टेक्स्ट जो है, ये सारे कंटेंट जो है, वो कट लिस्ट 1 नाम के फाइल में है। और जितने भी ये ब्लू वाले कलर में है, ये कट लिस्ट 2 वाले फाइल में ये सारे कंटेंट है। तो मैंने क्या किया, कट लिस्ट 1 के कंटेंट को कट लिस्ट 2 के कंटेंट में मैंने पेस्ट कर दिया है। तो कट लिस्ट 1 का भी कंटेंट आ गया और कट लिस्ट 2 का भी कंटेंट, यहाँ दोनों दोनों फाइल के कंटेंट्स एक साथ आ गए हैं। बट दोनों फाइल के कंटेंट्स में जहाँ भी बीच में टैब वाला स्पेस था, तो उस टैब वाले स्पेस के जगह पे यहाँ पे अंडर स्कोर, चूंकि मैंने डेलिमिटर अंडर स्कोर वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कमांड पे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे टेबल स्पेस, जहाँ जहाँ पे टैब स्पेस आया है, वहाँ पे अंडर स्कोर जो है वो रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे अंडर स्कोर रिप्लेस हो गया है। अगर इसके जगह पर हम कोमा डाल देते तो ये कोमा शो करता, अगर कॉलन लिखते इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अंडर स्कोर की जगह पे, तो इसकी जगह पे फिर कॉलन शो करता। सॉर्ट कमांड, तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में सॉर्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सॉर्ट कमांड है, दिस कमांड सॉर्ट्स द कंटेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन। तो सॉर्ट कमांड जो है किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को सॉर्ट करता है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो सॉर्ट कमांड के साथ हम बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हाइफन टी सॉर्ट कमांड के साथ यूज करके हम कोई डेलिमिटर स्पेसिफाई करते हैं, जहां पर भी टैब का स्पेस आ रहा हो, तो उस टैब स्पेस की जगह पे हम कोई भी डेलिमिटर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई कॉलन स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई कोमा स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई कोई स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हाइफन टी सॉर्ट कमांड के साथ यूज करेंगे। अगर किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, तो हाइफन आर सॉर्ट कमांड के साथ यूज करेंगे। अगर किसी भी फाइल के फील्ड्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्ट कमांड के साथ हाइफन के को यूज करेंगे। अगर किसी भी फाइल में न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट करनी है, न्यूमेरिकल डेटा की सॉर्टिंग करनी है, तो हाइफन एन स्पेसिफाई करेंगे। और जो है किसी भी फाइल में हमें चेक करना है कि वो फाइल में जो है सॉर्टिंग हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम सॉर्ट कमांड के साथ हाइफन सी को यूज करेंगे। तो सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल लेते हैं और उस फाइल का नाम है file1.txt, और इसमें ये डेटा है 01 प्रिया, 04 श्रेया, 03 तुहिना, 02 तुषा।
अब इस पे मैं क्या करूंगा, सिंपली सॉर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो सिंपली जब मैं सॉर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, यानी कि सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जा करके मैं सॉर्ट कमांड को टाइप करके कोई भी फाइल का नाम दे दूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो है उस फाइल की जो सॉर्टिंग करेगा ये वो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट उसकी सॉर्टिंग करेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के ऑर्डर में। तो यहाँ पे यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के मैंने सॉर्ट कमांड को टाइप किया, एक फाइल का नाम दिया मैंने, एंटर प्रेस की मैंने, तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट फाइल 1.txt फाइल की सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो है फाइल 1.txt फाइल में हमारे पास डेटा जो है 01 है, 01 के बाद 04 है, 03 है, 02 है। जब हमने इसकी सॉर्टिंग की तो 01 आ गया, 02 आ गया, 03 आ गया, 04 आ गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, न्यूमेरिकल बेसिस पे बाय डिफॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग कर दी। बट अगर फाइल 1.txt फाइल में लेट सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, 01, 04, 03 और 02 ये नहीं होते, केवल प्रिया, श्रेया, तुहिना और तुषा होता, तो इस फाइल की सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में जब होती तो उस केस में पहले पी आता, पी के बाद क्यू, क्यू यहाँ पे है नहीं, आर यहाँ पे है नहीं, फिर एस, एस के बाद फिर टी, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, मतलब ए बी सी डी के फॉर्म में ये टेक्स्ट फाइल को जो है सॉर्ट करके रिजल्ट को शो कर देता। सॉर्टिंग कमांड में ही आगे देखते हैं कि सॉर्ट कमांड का और क्या यूज है यूनिक्स में। तो एक फाइल की सॉर्टिंग करके उसके कंटेंट्स को मैं दूसरे फाइल में ले जा करके रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ या पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए इस कमांड को टाइप करेंगे। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हम सॉर्ट कमांड को टाइप करेंगे, उसके बाद जिस फाइल की सॉर्टिंग करनी है उस फाइल का नाम देंगे, उसके बाद रीडायरेक्ट ऑपरेटर होगा ताकि इसका रिजल्ट दूसरे फाइल में रीडायरेक्ट हो जाए, और उसके बाद दूसरे फाइल का यहाँ पे नाम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि फाइल 1.txt फाइल की सॉर्टिंग हो जाएगी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो कटलिस्ट नाम के फाइल में रिजल्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। तो आफ्टर सॉर्टिंग फाइल 1.txt कंटेंट्स विल बी रीडायरेक्टेड टू द फाइल कटलिस्ट। तो कटलिस्ट नाम के फाइल में जो है कंटेंट्स फाइल 1.txt का कंटेंट जो है सॉर्टिंग होकर के आ गया है। नेक्स्ट जो है हम किसी भी फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट ना करके हम रिवर्स ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के सॉर्ट कमांड को टाइप करेंगे, उसके बाद हाइफन आर ऑप्शन को लिखेंगे, टाइप करेंगे। तो हाइफन आर का मतलब है कि आपकी फाइल की सॉर्टिंग होगी रिवर्स ऑर्डर में, उसके बाद फाइल का नाम देंगे फाइल 1.txt, एंटर को प्रेस करेंगे तो फाइल 1.txt फाइल की जो सॉर्टिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आया है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये रिवर्स ऑर्डर में फाइल 1.txt फाइल की सॉर्टिंग हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि एक फाइल में जो है फील्ड वाइज सॉर्टिंग हो। फील्ड वाइज का मतलब 01 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 01, 04, 03, 02 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये फील्ड 1 है, ये किसी की एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, नो एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, ये यूनिक आईडी हो सकती है। तो ये फील्ड 1 है और प्रिया, श्रेया, तुहिना, तुषार ये किसी एम्प्लॉय का नाम हो सकता है या किसी स्टूडेंट का नाम हो सकता है, तो ये फील्ड 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक फील्ड पर सॉर्टिंग हो,
तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसके लिए ये कमांड है। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको सॉर्ट कमांड टाइप करना है, और चूंकि आप फील्ड को कॉलम को कॉलम की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, इसलिए आपको टाइप करना है हाइफन के। हाइफन के का मतलब कॉलम की सॉर्टिंग के लिए है ये, फील्ड की सॉर्टिंग के लिए है ये। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरे फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग हो, दूसरे फील्ड यानी कि 01432 इस वाले फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग ना करके प्रिया श्रेया तुहिना तुषार, ये दूसरा फील्ड है, सेकंड फील्ड है फाइल के अंदर, तो इस वाले फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग हो तो मैं 2 लिखूंगा। और अगर मुझे 1 के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, 1 फील्ड के ऊपर, फिर 01432 के ऊपर सॉर्टिंग करेगा, बट मैं दूसरे फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ प्रिया श्रेया तुहिना तुषार के ऊपर, तो मैं हाइफन के बाद 2 टाइप करूंगा। हाइफन के हम फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, इसलिए हाइफन के यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा। और फील्ड नंबर 2 के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करनी है, और फाइल का नाम है file1.txt, और एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, सॉर्ट बाय द सेकेंड फील्ड। तो सॉर्टिंग करेगा पहले वाले फील्ड के ऊपर, सॉर्टिंग नहीं करेगा ये, दूसरे वाले फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करेगा। तो ए बी सी डी के ऑर्डर में इसको इसकी सॉर्टिंग करेगा। तो ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक में पहले उसको पी मिला तो पी रखा उसने, फिर पी के बाद एस मिला, फिर एस के बाद टी मिला, और टी के बाद फिर टी मिला। तो इसने क्या किया है, दूसरे वाले फील्ड के ऊपर इसने सॉर्टिंग की है असेंडिंग ऑर्डर में, और ये वाला जो है इसके ऊपर कोई भी सॉर्टिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर हाइफन के और 2 ना लिख करके डायरेक्ट सॉर्ट लिख करके फाइल का नाम अगर हम दे देते हैं तो फिर टेक्स्ट वाइज सॉर्टिंग नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल फील्ड के ऊपर ही सॉर्टिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले न्यूमेरिकल फील्ड के ऊपर यूनिक्स में सॉर्टिंग होती है। तो ये था सॉर्टिंग कमांड का जो है यूज। सॉर्टिंग कमांड को ही देखते हैं कि इसका और क्या यूज है इस स्लाइड में। तो अब जो है मैं एक फाइल को सॉर्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उस फाइल में जितनी भी रिपीटेड वैल्यू है, जितने भी रिपीटेड लाइंस है, वो रिपीटेड लाइंस को शो ना करे, केवल यूनिक लाइंस की सॉर्टिंग करके जो है लाइंस को शो करे। तो उसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैं टाइप करूँगा सॉर्ट कमांड, SORT सॉर्ट, उसके बाद हाइफन यू टाइप करूंगा ऑप्शन। तो यू का मतलब है कि यूनिक वैल्यू या यूनिक लाइंस को ये शो करेगा, और जिस पे मुझे सॉर्टिंग करनी है उस फाइल का नाम है priya.txt, और एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, सॉर्ट सप्रेसिंग रिपीटेड लाइंस। तो ये क्या करेगा, priya.txt फाइल की सॉर्टिंग करेगा, और उसके बाद जो रिपीटेड लाइंस है उस रिपीटेड लाइंस को ये शो नहीं करेगा, केवल यूनिक लाइंस को शो करेगा। अब जो है मैं चाहता हूं कि किसी फाइल में केवल न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट करे, तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा सॉर्ट कमांड, SORT सॉर्ट, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू की सॉर्टिंग करनी है तो हाइफन एन, और जिस फाइल के ऊपर सॉर्टिंग करनी है उस फाइल का नाम तो komal.txt फाइल है, एंटर प्रेस करनी है। उसके बाद बाई पासिंग सॉर्ट द हाइफन एन ऑप्शन द फाइल इज ऑर्डर्ड न्यूमेरिकली, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की सॉर्टिंग हो जाएगी। komal.txt फाइल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू की सबकी सॉर्टिंग कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए हाइफन आर ऑप्शन यूज करते हैं सॉर्ट कमांड के साथ। तो मैंने हाइफन आर को यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट komal.txt फाइल में न्यूमेरिकल वैल्यू की सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में।
अब जो है मैं चाहता हूं कि कोई फाइल उसकी सॉर्टिंग हुई है या नहीं हुई है वो चेक करके मुझे बता दे, तो उसके लिए सिंपली टाइप करूंगा सॉर्ट हाइफन सी। हाइफन सी ऑप्शन चेक करता है कि आपकी फाइल सॉर्टेड है या नहीं है, तो हाइफन सी टाइप करके फाइल का नाम, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा, तो हाइफन सी जस्ट चेक्स वेदर द फाइल हैज एक्चुअली बीन सॉर्टेड और नॉट। तो हाइफन सी जो है वो चेक करता है कि आपकी फाइल पहले से ही सॉर्टेड है या नहीं है। तो शॉर्टलिस्ट फाइल जो है मेरा वो सॉर्टेड है पहले से ही, तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइल इज सॉर्टेड, और अगर फाइल सॉर्टेड नहीं है तो लिखा हुआ आएगा फाइल इज नॉट सॉर्टेड। उसके बाद जो है आप समझते हैं कि टैब स्पेस को कंसीडर करते हुए किसी फील्ड के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके सॉर्ट कमांड को टाइप करूंगा, और हाइफन टी टाइप करूंगा ऑप्शन। तो हाइफन टी का मतलब है कि टैब स्पेस की जगह पे आप क्या यूज करना चाहते हो, तो मैं कोमा यूज करना चाहता हूँ टैब के स्पेस की जगह पे। यूनिक्स में जो फाइल होती है उस फाइल में जो फील्ड्स के नेम होते हैं, तो फील्ड्स के नेम के बीच में टैब का स्पेस होता है, तो उस फील्ड्स के नेम के बीच में जो टैब का स्पेस है मैं चाहता हूँ उस टैब स्पेस की जगह पे कोमा आए। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कॉलन यूज़ कर सकते हो, स्पेस यूज़ कर सकते हो, मैं कोमा यूज़ करना चाहता हूँ, तो टैब स्पेस की जगह पे मुझे कोमा देना है, तो उसके लिए हाइफन टी स्पेसिफाई करूँगा, और उसके बाद हाइफन के का मतलब मुझे फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी है। तो अगर एक फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी है तो 1,1 लिखूंगा, और अगर एक से लेकर के दो फील्ड पे मुझे सॉर्टिंग करनी है तो 1,2 दूंगा, और अगर मुझे एक से लेकर के तीन फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी है तो 1,3 दूंगा, और अगर मुझे दो से लेकर के चार फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी है तो 2,4 दूंगा, और उसके बाद फाइल का नाम टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, तो सॉर्ट फाइल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फील्ड। फर्स्ट फील्ड के बेसिस पे ये फाइल को सॉर्ट करेगा, क्योंकि हाइफन के मैंने फील्ड के लिए ये ऑप्शन डाला है और मुझे एक ही फील्ड के ऊपर जो है सॉर्टिंग करनी है तो 1,1, और दो फील्ड के ऊपर करनी होती तो 1,2 मैं यहाँ पे टाइप करता। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है राजीव डॉट टी एक्स टी फाइल में AIX,25 है, तो ये दो फील्ड है। राजीव डॉट टी एक्स टी फाइल में केवल दो ही फील्ड है, एक तो AIX वाली पूरी लाइन, AIX, HPUX, Linux, Solaris और Unix, ये पूरी एक फील्ड हो गई। उसके बाद बीच में स्पेस था, टैब स्पेस, तो यहाँ पर कोमा इसलिए आया है क्योंकि ऊपर मैंने हाइफन टी के साथ टैब स्पेस की जगह पे मैंने कोमा स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पे कोमा आ गया, और दूसरा फील्ड जो है राजीव डॉट टी एक्स टी फाइव में दूसरा फील्ड जो है वो 25, 100, 20, 25, 10 और 30 है, तो वो आया है। अगर तीसरा फील्ड होता तो तीसरा फील्ड भी इसके बाद में आता, लेकिन सॉर्टिंग मैंने फर्स्ट फील्ड के ऊपर की है, तो AIX, HPUX, Linux, Solaris और Unix इसी वाले फील्ड के ऊपर जो है सॉर्टिंग हुई है, तो A से लेकर के Z तक के ऑर्डर में हुआ है, पहले A के बाद B नहीं मिला, B नहीं मिला, C नहीं मिला, D नहीं मिला, इस तरीके से H मिला, तो H को रखा इसने, फिर L मिला, फिर S मिला, फिर U मिला, तो इसने A से लेकर Z तक के जो है ऑर्डर में इसकी असेंडिंग कर दी है फर्स्ट फील्ड की, और हाइफन टी यानी कि टैब स्पेस की जगह पे मैंने कोमा यूज किया है, तो टैब स्पेस की जगह पर यहाँ पे सब में कोमा आ गया है, और दूसरी फील्ड एज इट इज आई है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्योंकि इस पर हमने कोई भी सॉर्टिंग
परफॉर्म नहीं किया है। तो जो है ये था सॉर्टिंग कमांड का पूरा यूज। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ऑप्शन है जो सॉर्ट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं, बट जितना मैंने बताया है वो सारा बेसिक है। तो यूनिक्स का जो है मेरा ये 17th वीडियो लेक्चर, यूनिक्स कमांड्स का मेरा ये 17th वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। बाकी के कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।